हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सभी लोग गूगल पे एप्लीकेशन में अपने दोस्त को रेफर एंड अर्न करके पैसा कैसे कमाएं। पर रेफर आपको 201 रुपये मिलता है गूगल पे एप्लीकेशन में रेफर करने का। एंड इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे आपको अपने फ्रेंड के पास लिंक भेजना है, कैसे आपको उसका गूगल पे एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको कैशबैक मिलेगा। लाइव में आपके सामने कैशबैक अर्न करके दिखाने वाला हूँ। ये जो वीडियो शूट हो रही है 3 जनवरी 2024 को शूट हो रही है, तो अगर आप 2024 में मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो 2024 में इस तरह आप अपने दोस्त को गूगल पे एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को करना है क्या है, अपना गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करना है, जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। एंड आप सभी को नीचे के ऑप्शन पे चले आना है। नीचे के ऑप्शन पे आप सभी को आपका रेफरल कोड देखने को मिलेगा, इनवाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रेफरल कोड को आप कॉपी पे क्लिक करना है, इनवाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इनवाइट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने फ्रेंड के पास आप सभी लोग को लिंक एंड रेफरल कोड सेंड कर देना जिसका आप सभी को अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के पास लिंक एंड यहाँ पे जो रेफरल कोड मैंने कॉपी किया था, ये रेफरल कोड यहाँ पे सेंड कर दिया है। तो रेफरल कोड सेंड करने के बाद अब आप सभी को आपके फ्रेंड का फोन ले लेना है अपने हाथ में। एंड उसके बाद आप सभी को उसका व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। रेफरल कोड है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करना है। अब आप सभी के फ्रेंड को क्या करना है, जो आपने लिंक भेजा है इसी लिंक पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ये आप सभी को रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर पे, या आप सभी को रिडायरेक्ट कर देगा ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे। एंड यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है इसने ऐप स्टोर पे। फिर आप सभी को क्या करना है, गेट का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करना है। गेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी को इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नंबर डालने के बाद आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप सभी को ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप सभी को जो ईमेल आईडी है, हमेशा आपको नई ईमेल आईडी बनाना है। अगर आप पुरानी वाली बनाकर इसमें लॉगिन करते हो तो आपका रेफरल कोड अप्लाई आता है। तो आप करना है क्या, एक नई ईमेल आईडी बना लेना, वो जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आप सभी को एक्सेप्ट योर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आप सभी के मोबाइल नंबर पे 6 अंक का एक OTP आएगा। फिर आप सभी का ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। एंड आप सभी को कुछ इस प्रकार गूगल पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। नॉट नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अभी आप सभी को ऐड बैंक अकाउंट पे नहीं क्लिक करना है, आपको जो एस का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। रेफरल कोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपके दोस्त का जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड यहाँ पे आप सभी को डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोस्त का रेफरल कोड कॉपी कर लिया था, वही रेफरल कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। आप सभी लोग देख सकते हो जो मेरे दोस्त का रेफरल कोड है, यही रेफरल कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया है। रेफरल कोड डालने के बाद अब आप सभी को करना है क्या है, अप्लाई कोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप अप्लाई कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे आप सभी लोग का रेफरल कोड अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड रेफरल कोड यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल अप्लाई भी हो गया। अब आप सभी को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। फिर आप सभी को ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो सर्च बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप सभी का जो बैंक है, यहाँ पे आप सभी को अपना बैंक सर्च कर लेना है। तो मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वही सर्च कर लूंगा। तो मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। एंड आप सभी का मोबाइल नंबर दिखा देगा। फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक कर दोगे अलाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड आप सभी का मोबाइल नंबर पे SMS वगैरह जाएगा, वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप सभी को कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप सभी का जो ATM कार्ड होता है वो ATM कार्ड ले लेना है। ATM कार्ड के आप सभी को 6 डिजिट आप सभी का जो पिन नंबर है लास्ट के आप सभी को डाल देना है। एंड उसी पे आप सभी को डेट दिखाएगा, डेट एंड आप सभी लोग का उसमें ईयर दिखाएगा, वो जो आप सभी के ATM पे दिखा रहा है वही आप सभी को इसमें डाल देना है। आपकी ATM पे 14 अंक का एक नंबर होगा, उसी के आप सभी को लास्ट के 6 नंबर डालने हैं। एंड आप सभी के ATM में मंथ और ईयर लिखा रहेगा, वो जो आपको डेट नीचे लिखी रहेगी वो डेट आप सभी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप क्रिएट पिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे एंड आप सभी लोगों का कुछ इस प्रकार का एक नया पेज आएगा। एंड आप सभी के मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा।
फिर आप सभी को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डिजिट का। आप सभी को यूपीआई पिन बनाना है, तो आप सभी लोग को जो यूपीआई पिन बनाना है वो यूपीआई पिन आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है दोबारा, फिर आप सभी को ने जो पिन डाला तो वही पिन आपको दोबारा डाल देना, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। एडिंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा एंड आप सभी लोग देख सकते हैं प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है एंड उसके बाद आप सभी का यूपीआई नंबर लिंक हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करोगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आएगा एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड आपको किस नेम से रखना है आप सभी को उसका नेम डाल देना है, फिर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप सभी को करना है कि आप जैसे मैंने इस दोस्त के लिंक के थ्रू किया था, इसका रेफर कोड यूज किया था, अब मुझे फर्स्ट पेमेंट करना है तो मुझे 21 रुपए का कैशबैक मिलेगा एंड मेरे फ्रेंड को 201 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो फर्स्ट पेमेंट करने के लिए स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, जो आपके दोस्त का क्यूआर कोड है उस पर पेमेंट कर सकते हो, या अगर आपका दोस्त गूगल पे एप्लीकेशन यूज करता है तो आपको उस पर क्लिक करके आप सभी को पेमेंट सेंड करना है, या आप उसके बैंक अकाउंट नंबर डाल के ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसकी यूपीआई आईडी, या अपना मोबाइल रिचार्ज वगैरह करेंगे तब भी आप सभी लोगों को यहाँ पे रेफर एंड अर्न का आपके दोस्त को पैसा को मिल जाएगा, मतलब आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है। मैंने अपने दोस्त का बारकोड स्कैन कर लिया है, 25 रुपए पे मैं क्लिक करूंगा, डन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, पे के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आई अलाउ वगैरह कर देने हैं एंड आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार आप सभी का लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर जो 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपने जो बनाया था वो यूपीआई पिन आप सभी को यहां पे डाल देना है। पिन डालने के बाद आपको टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पे आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके दोस्त का जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे 25 रुपए सक्सेसफुल सेंड कर दिया। अब आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा, स्क्रेच कार्ड पे स्केच करोगे एंड यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 21 रुपए का कैशबैक मुझे स्टैंड मिल चुका है। ये जो 21 रुपए का कैशबैक है ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अब मैं जिसके लिंक के थ्रू किया था मेरे दोस्त को देखते हैं यहाँ पे 201 रुपए का कैशबैक मिला है कि नहीं, तो रिवार्ड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड एक बार रिफ्रेश कर दूंगा एंड यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो 3 जनवरी को मैंने रेफर किया था एंड 201 रुपए का कैशबैक मिल गया है एंड यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। फिर आप सभी लोगों को यहाँ पे सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये आप 3 जनवरी 2024 टाइम वगैरह भी देख सकते हो कितने टाइम में मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये आप सभी लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। इसी तरह आप सभी लोग अपने दोस्त को गूगल पे एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न करके पर रेफर 201 रुपए का कैशबैक कमा सकते हो। फुल प्रोसेस मैंने आप सभी के सामने लाइव करके दिखाया, कैसे अकाउंट बनाना है आपको दोस्त को, कैसे रेफर कोड अप्लाई करना है, फर्स्ट पेमेंट कैसे करना है, फुल प्रोसेस आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना है एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारी एप्लीकेशनों का लाइव प्रोसेस मैं बताता हूं, तो उन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।